हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करेंगे कि फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने क्यों हो जाते हैं, और ये जो दाने होते हैं एक दो नहीं होते हैं, पूरा फॉरहेड भर जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होती है। अगर आप सही टाइम पर इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है इनको ठीक होने में। आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ये जो टाइनी बम्स हो जाते हैं इनका क्या रीज़न है, इनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके फॉरहेड पे कभी छोटे छोटे दाने ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनके होने का क्या रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहेगा, डैंड्रफ रहेगी, आपके बाल, आपके स्कैल्प क्लीन नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होता है, आपके फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठंड के दिनों में अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण भी फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, सन एक्सपोजर के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है उससे भी ये दाने हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने के कारण भी ये दाने हो जाते हैं, या फिर जो लोग एक्सफोलिएट करते ही नहीं हैं उनको भी ये दाने हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, नींद पूरी नहीं करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है बॉडी हीट। बॉडी में हीट बढ़ जाने के कारण भी फेस पे, कई बार बैक पे और फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके फॉरहेड पे ये दाने ना हो। आपको रात रात भर या एक एक दो दो दिन तक बालों में ऑयल लगाकर नहीं रखना है, क्योंकि आप जब भी स्कैल्प पे या बालों पे ऑयल लगाते हो वो फेस पे आता ही है, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको एक घंटे दो घंटे ही सफिशिएंट है आप ऑयल लगा के रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरा, डैंड्रफ नहीं होने देना है, और अगर डैंड्रफ है तो इसको कैसे भी आपको क्योर करना चाहिए। डैंड्रफ को अगर आप मेडिकेटेड तरीके से ट्रीट करना चाहते हो तो मैं हमेशा सेल्सन शैम्पू यूज़ करती हूँ। इसका रिव्यू किया है, आप वो देख सकते हैं। इससे आपको एक दो वॉश में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और अगर आप कोई मेडिकेटेड चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते हो, नेचुरल चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, तो कर्ड और लेमन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आपको रिजल्ट्स एक बार में नहीं मिले शायद, पर धीरे धीरे मिल जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो। लेमन हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ कीजिए, डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना है। और कर्ड को आप डायरेक्ट बिना कुछ मिलाए भी अगर आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करके लगाते हो 15-20 मिनट के लिए, तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को, बॉयज़ गर्ल्स को देखा है कि वो लोग ऐसा हेयर स्टाइल चूज़ करते हैं जैसे कि उनके जो बाल रहते हैं वो फॉरहेड पे ही लटके रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके फॉरहेड पे दाने हो जाने का। सिर्फ फॉरहेड पे ही नहीं, आपके पूरे फेस पे कहीं भी आपके बाल टच नहीं होने चाहिए, इससे भी जो भी इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, और आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो एक्सफोलिएट करने के लिए अपनी स्किन को, वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होनी चाहिए, आपकी स्किन पे हार्श नहीं होनी चाहिए। आपको 8-9 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे तो ये पिंपल दाने ये सब कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये जो दाने हैं इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, अगर आपके फॉरहेड पे दाने हैं तो आप कोई भी एक अच्छा क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप के क्ले मास्क अवेलेबल हैं, और अगर आप उनमें अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो सीधा सिंपल मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना के, उसमें गुलाब जल मिला के उसका एक अच्छा पेस्ट बना के आप अपने फॉरहेड पे लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आपके फेस का जो भी एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव कर लेती है और दानों की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट, स्टीमिंग। फेस पे स्टीमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अभी कोविड के कारण मैं बहुत ज़्यादा स्टीमिंग ले रही हूँ और उससे मेरे फेस पे एक अलग ही रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्टीमिंग बहुत अच्छी होती है। इससे आपके दाने जो भी हैं और आपके फेस पे भी कहीं भी एक्ने पिंपल हैं, दाने हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जो भी आप उसके बाद क्रीम, मॉइस्चराइज़र या कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हो वो आपकी स्किन में अंदर तक जाएगी। स्टीम लेने से क्या होता है, जो भी आपके ब्लॉकेज रहता है पोर्स में वो खुल जाता है, वो क्लीन हो जाता है, और सारी जो भी चीज़ें हम स्किन पे यूज़ करते हैं वो डीपली पेनिट्रेट होती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा एक्सफोलिएट करने से स्किन डैमेज हो जाती है, पर एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप
वीक में एक बार एक्सफोलिएट ज़रूर करें, और ये स्टेप स्किप कभी नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सफोलिएट नहीं करेंगे तो आपकी जो भी डेड स्किन है वो रिमूव नहीं होगी, और वही डेड स्किन जमा होते होते वही दाने पिंपल का रूप ले लेती हैं और स्किन को डैमेज करती हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी हीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी बॉडी हीट होती है तो आप क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, जूस लीजिए, लिक्विड लीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बॉडी हीट सबसे बड़ा रीज़न है आपके फॉरहेड पे दाने आ जाने का, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मसाले, जंक फूड और फालतू खाना खाने से बचिए। फल, ग्रीन वेजीज और जूस वगैरह ये सारी चीज़ें लीजिए तो आपको कभी भी दाने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके फेस पे, फॉरहेड पे दाने ना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने डाइजेशन को अच्छा रखना, ऐसी चीज़ें यूज़ करना जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो पाए और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो सके। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर, नीम जूस ले सकते हैं और एलोवेरा जूस ले सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और मैंने भी ऑलरेडी कुछ चीज़ों का रिव्यू किया हुआ है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर का रिव्यू किया हुआ है, नीम जूस का भी किया हुआ है कि ये कैसे आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ भी करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहते हो आपके फॉरहेड के दानों पे, तो आप ये जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जैसे क्लिंडामाइसिन यूज़ की जाती है जब भी एक्ने पिंपल होते हैं, बेंजल परोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से जो भी चीज़ें आपको सूट करती है आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये सारी जो चीज़ें बताई हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।